तो कीपर लोग को फर्स्ट से लेकर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो स्वॉर्ड मास्टर यहां पे था ना, उसने लुओ से सवाल पूछा था, तुम कहां पे पैदा हुई है, तुमको याद है क्या? तो हमारी जो थी भाई बहन डोंग मनीमन सोचते कि भाई हमको लुओ ना कोठे में यहां पे मिली थी, वो पैदा कहां पर हुई थी हमको भी मालूम नहीं, हमने उससे कभी पूछा नहीं, क्योंकि भाई हम उससे पूछेंगे उसके हो सकता है अपनी जो पुरानी फ्लैश बैक है ना वो उसको यहां पे याद आएगा। तो उसको भी वो भी सामने से कहती मुझे खुद यहां पे याद नहीं है कि मैं कहां पे पैदा हुई थी। मनीमन सोचती मुझे बस इतना याद है कि आप उन कोठे में यहां पे थी और कोठे पे भाई वहां पे कोठे की जो लड़कियां यहां पे थी ना उन्होंने बचपन से मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा यहां पे किया। अब मैं जब 13 साल की थी ना तो मेरी नीलामी यहां पे चालू थी कि यहां पे कौन इसके साथ पहली सुहागरात यहां पे मनाएगा। उस समय ही वही अपने लीडर यहां पर रहते हैं, उन्होंने मुझे बाय किया और अपने साथ यहां पर लेकर आ गए। इन शॉर्ट जब मैं छोटी यहां पे थी ना तभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया था कोठे पे। जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया, जब वो मेरे बारे में परवाह करते नहीं है मैं उनके बारे में क्यों करूं, इसलिए मैंने कभी उनके बारे में याद करने के बारे में सोचा नहीं। और यहां के जो भाई मेरे सीनियर हो गए, मेरे जूनियर हो गए, मेरी मास्टर हो गई, हमारे लीडर हो गए, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए मेरा परिवार यहां पर है, इसलिए मैं बाकी किसी चीज पे ध्यान यहां पे देती नहीं। सामने से स्वॉर्ड मास्टर कहते तुमको यहां पे याद नहीं है, तुमको मालूम नहीं है, डोंट वरी यार एक एरिया यहां पर लूज वो वहां पर है ना, बाइलू फॉरेस्ट नाम का एक फॉरेस्ट है, तुम वहां पे चल जाना, तुम वहां पे जाओगे ना तुमको कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। पीछे से एल्डर कहते हैं फिर से वहीं पर, यार मैंने देखा भी तू वहां पे आता जाता बहुत है, ये कहता क्या कर यार वहां पे मेरे एक दोस्त है जो कि चीजें यहां पे बता देगा। तो लीडर के दिमाग में आता है, एल्डर के दिमाग में कह रही यार उसका कोई दोस्त वहां पर, कुछ समझ नहीं आता, ये अजीब ही है स्वॉर्ड मास्टर। सामने से ये भी कहती है एक सेकंड लूज वो के अंदर, सामने से बालू फॉरेस्ट, यार लूज वो यहां से काफी दूर है और काफी इंपॉर्टेंट बड़ा एरिया है, मैं कभी गई नहीं लेकिन जाके यहां पे चेक करूंगी। उसके बाद जो हाइटिंग यहां पे था ना हमारे गाउचे का डिसाइपल, उस पे ध्यान जाता है स्वॉर्ड मास्टर का। तो वो कहता भी कि हां ये कौन है, डोंग बता दिया, ये मेरे भैया के इकलौते और डायरेक्ट डिसाइपल है, हाई इनका नाम है और हाइटिंग पूरा नाम है। सॉरी मैंने कह दिया कि डोंग ने बातें बताई, डोंग ने नहीं बल्कि एल्डर ने बातें यहां पे बताई थी। तो अपना स्वॉर्ड मास्टर एकदम हिल जाता है, कह रही यार इसके अंदर से ना मुझे एकदम अजीब सा ये महसूस हो रहा है, डार्क पावर और डार्क एनर्जी यहां पे महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हैं? इसको जो लेवल है ना 14 रैंक पर लेवल है, जो कि नाम का लेवल मुझे लग रहा है, अगर इसके सामने कोई अपोनेंट यहां पर आ जाएगा ना 14 रैंक का, उसने बराबर अपनी पावर यहां पे यूज कर ली, ये उसके सामने जीत नहीं सकता। लेकिन यार एक सेकंड, जब स्टार्टिंग में आया था मुझे दिखा था, मैंने नाम भी पूछा था लेकिन मैं बाद में भूल गया, और मैंने जब वापस अपने जूनियर एल्डर से पूछा ना तब जाकर उसने रिप्लाई दिया, यानी इसका जो एग्जिस्टेंस है ना वो भी बड़ा कम है, ऐसा लगता सामने खड़ा होगा भी ना तो भी कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, जो कि बात है सच है। अपने गाउचे को भी आईडिया है कि भाई ये ना सामने भी खड़ा होगा तो भी इसके ऊपर कोई ध्यान यहाँ पे देगा नहीं। उसको बुलाते कि बच्चा हमारे पास आओ, जरा यहाँ पे बैठो, मेडिटेशन करो। वो बैठ के मेडिटेशन करता है और हमारा स्वॉर्ड मास्टर चेक करने लग जाता है। हाई भी सोचता कि स्टेट यार ये दुनिया के, आई मीन हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे नंबर वन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, ये चेक करें कहीं मेरा सीक्रेट तो रिवील नहीं हो जाएगा, मैंने जो सोल जेड ऑब्जर्व करके अपनी पावर बढ़ाई थी वो तो कहीं रिवील नहीं हो जाएगा। मम्मी रे यार फिर भाई मेरे मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। सामने से कहता अपना स्वॉर्ड मास्टर ओके हो गया, ये हाई कन्फ्यूज हो गया, क्या हुआ भाई कुछ भी तो नहीं हुआ, और आराम से स्वॉर्ड मास्टर ने सोच रहा था। तो अपना हाई भी सोचता कह रहे यार इनका रिएक्शन देख के लग तो नहीं रहा कि भाई वो जेड वाली बातें निकली है, लेकिन शायद इनको कुछ अजीब मालूम चला। वो बताता कि भाई तुम्हारा है ना भाई फिजिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो कह लो बड़ा अजीब, यहाँ पर तुम्हारे अंदर सर मुझे डार्क एनर्जी यहाँ पे महसूस हुई, जैसे लोग सुनते ना सुनते हिल जाते, क्या 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 डार्क एनर्जी जो कि ईविल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अपनी छुटकी भाई वो सोचती क्या भाई डार्क एनर्जी वो क्या होता है, क्या खाने की चीज़ है। मनी मन अपना सोचती कि भाई मुझे याद है मेरे भाई ने एक बार कहा था ये जो हमारा ये डिसाइपल है ना, ये डिसाइपल आगे चल के ऐसा बुराई की राह पे जा सकता था, हाँ तो मुझे यहाँ पे बचाना है, तो उसी चक्कर में इसके बॉडी में काफ़ी डार्क एनर्जी थी। तो कहीं यार स्वॉर्ड मास्टर को आइडिया लग गया, लुओ मनी मन सोचती कि भाई ये तो काफ़ी बड़ी राज है जो कि मालूम चल गया। तो अरे यार ये लुओ मतलब ये डिसाइपल बहुत ही अच्छे सीनियर यार, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। अपनी डोंग भी डरते कह रहे स्वॉर्ड मास्टर ने एक्सपोज कर दिया, कहीं भाई कुछ करना था इनके साथ। सामने से सोचे जा रहे उतने में अपना जो एल्डर था ना वो कहता वो मेरे सीनियर भाई चाय, मेरा चाय खत्म हो गया, जल्दी से और चाय निकाल के दे दे। वो कहता रहे सॉरी सॉरी मैं चाय निकाल देता हूँ। तो अपना ये एल्डर है ना उसको ताना मारता है और कहते बेटे भाई तूने क्या किया था, तूने अब उसकी बॉडी में कुछ आइडिया लगाया ना, तूने बॉडी में आइडिया लगाने के लिए क्यों आई, सर्चिंग टेक्निक यूज की, मैंने कई बार तुझे मना किया कि भाई मत किया कर, तू अच्छे से उसको नहीं जानता, ऐसा करने से बंदे की बॉडी से ना तुझे अलग अलग कलर यहाँ पे महसूस होते, कभी रेड कभी पर्पल कभी डार्क, जो उल्टा सीधा तुझसे दिखता, तुझे अच्छे से दिखता नहीं है, तो इस बार भी तूने कुछ उल्टा सीधा ही देख लिया होगा और कुछ भी फालतू बकवास किया जा रहा है। तो सामने से स्वॉर्ड मास्टर भी कहता हाँ यार मुझे भी बस ऐसे हल्का हल्का सा डार्क कुछ महसूस हुआ, वो डार्क एनर्जी थी या फिर नहीं थी मुझे आई डोंट नो। सामने से डोंग के भी सांस में सांस आती, चलो उतना ज्यादा मामला सीरियस नहीं बना, हम तो सच्ची में डर गए थे। एल्डर भी कहता है तो चाय चुपचाप पियो पिलाया कर, ये फालतू बकवास मत किया कर, एक काम करो भाई तुम सभी जाके अपना कल्टीवेशन करो, खेलो कूदो यार, हम बुढ़े लोग के बीच में आके भाई तुमको भी अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ डोंग मेरी बच्ची तुम बस यहाँ पर रुक जाओ, ये स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर है ना, ये तुमको थोड़ी बहुत ना कल्टीवेशन का नॉलेज यहाँ पे देगा, नॉलेज यहाँ पर लेके जाना। आई नो इसका जो डिसाइपल है ना तू महादेव जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर है ना भाई, तो तुमको दो चार बातें सुना भी देगा, तो भाई सुन लो यार अच्छा तुमको भी लगेगा। ये सोचती भी कह रही यार मेरे एल्डर भाई उनको क्या हो जाता है यार, वो हमें
हमेशा ना ऐसा लगता है इनकी लेने की कोशिश करते हैं, जब से है ना कई बार उन्होंने लेने की कोशिश की और ये बार बार देती भी है स्वॉर्ड मास्टर। उसके बाद सीन शुरू अपने गाउचे पे, जिसको कोई भी आइडिया नहीं कि उसके सेड में स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर आया, सेड के डिसाइपल होगा इसकी बहन से यहाँ पे मिल रहे, हो सकता है वहाँ पे जो ग्रेवी यार्ड यहाँ पे सेट है छुपी पड़ी है वो भी जल्दी से एक्सपोज हो जाए। ये तो बस बहुत जल्दी जो ऑटम्स बिंग माउंटेन है ना वो सेड में जाने को तैयार था। मनी मन सोचते कि यहाँ पे एक दिन के अंदर है ना फाइनली यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। नाम जैसे सुनता हूँ ना मुझे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है, जैसे कि जो सेट यहाँ पर है ना वो औरतों से कचा कच यहाँ पे भरा हुआ है, और ऐसा नहीं बेकार भद्दी नॉर्मल औरतें यार, एक से सुंदर एक औरतें, एक से टैलेंटेड एक औरतें, यहाँ तक कि जो फाउंडर यहाँ पे थी ना इसकी वो भी एक औरत थी। उसके बाद सभी तक जितने भी लीडर हुए वो सबकी सब औरतें थी, जो एल्डर्स यहाँ पर सभी औरतें और मैक्सिमम डिसाइपल भाई वो सब के सब यहाँ पे औरतें हैं और सब माशाल्लाह बड़ी कमाल कमाल की औरतें हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे सच्ची में यार देखना है जब ये जाएगा वहाँ पर जो मिंड है सर ये औरतें आएगी तो भाई क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।